था कि अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही हम उसकी प्रेशर ले लेते हैं, लाइक हमें टेंशन हो जाता है नहीं यार एग्जामिनेशन कैसा गया जाएगा हमारा और क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो अगर हम ऐसे सोचते हैं तो हमारी वहाँ पे थोड़ी जो पॉजिटिव पावर होती है वो वैसे ही कम हो जाती है। सो सर ने भी यही हमें सजेशन दिया था कि अगर हम हॉल के अंदर इंटर करें तो पहले तो हम कोई डिस्कशन नहीं करना, कोई टॉपिक के बारे में नया कुछ नहीं पढ़ना, बस जो हमने पढ़ा है जस्ट चिल रिलैक्स माइंड से हमें अंदर जाना है। और मैंने भी सेम वैसे ही किया। और जब एग्ज़ाम चालू होने वाला था तो उसके एक दो मिनट मैंने थोड़ा सा लंबी ब्रेथ लिया और देन उसके बाद मैं जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करने गया तो सर ने मैं पहले ही गाइड कर रखा था, पहले ही बता रखा था कि सबसे पहले जो तुम स्टार्ट करो पार्ट बी या पार्ट सी से स्टार्ट करो और वही क्वेश्चन स्टार्ट करो जो तुम्हें सही से आता, आई मीन जो तुम्हें सिंपल लगे और टाइम ना लगे क्वेश्चन करने में। सो सेम सर का ही अंडर गाइडेंस में हमने सेम सर को ही फॉलो किया और जिसकी वजह से हमारा काफ़ी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा। अब वो तो टाइम बताया कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर होता है नहीं होता, बट इतना तो है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर का हमारा जो एग्ज़ाम था काफ़ी अच्छा गया। और आशा करते हैं कि सबका नेट और जेआरएफ क्लियर भी होगा। और बस मैं ये बताना चाहता हूँ और आई एम रियली थैंक्स टू मनीष सर जिन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए टाइम दिया, प्लस हमारे लिए इतनी मेहनत करी, हमें स्टडी से कोई भी प्रॉब्लम हो तो हो सर हमारे साथ थे, चाहे हमारा कोई फैमिली प्रॉब्लम है या फिर फ्रेंड के साथ कोई भी अगर मेंटली प्रॉब्लम है तब पर भी सर हमें अच्छा से अच्छा गाइड किए और रियली रियली थैंक्स। और ये मेरी अपॉर्चुनिटी है कि इतने अच्छे टीचर मुझे मिले, बिकॉज अगर मैं कहूँ तो उसके लिए शायद टीचर मिलना। सो आई एम रियली थैंक्स टू सक्सेस डैड एंड थैंक्स टू मनीष सर, थैंक यू।